समूह जलंधर निवासियों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। कोविड के जिहड़े केसिस है आप देख रहे हैं कि आ पिछले दिनों दे विच एक सर्ज आ रही है। सो पूरे पंजाब दे विच इन जनरल एंड तकरीबन सारे जिलों के जिहड़े है केसिस वध रहे ने, तो इस चीज़ की मैनेजमेंट को लैके कुछ अपडेट सीगे जिहड़े मैं आप जी सारे नाल सांझा करना चाहुंदा सीगा। तो पहले असी जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच एक हुण जिहड़े ऑफ लेट मैं देख रहा केस थोड़े जे वध आ रहे, उहदा एक रीज़न ये भी है जदों केस वध आण लगे तो असी टेस्टिंग जिहड़ी सीगी साडी तकरीबन 1000 तो 1200 लोगों के जिहड़े जलंधर दे विच टेस्ट हो रहे सीगे वो कैपैसिटी भी असी 3 गुणा कर ली है। तो इस समय जिहड़े साडे टेस्ट हैगे वो तकरीबन 3500 तो 3600 टेस्ट जिहड़े हैगे डेली बेसिस ते असी जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच कर रहे हैं ताकि साड़ी जिहड़ी है डिटेक्शन होर जल्दी हो सके, जिस तो जिहड़ा है पेशेंट का इलाज जल्दी तरीके नाल असी कर सकीए तो आप कीमती समा बचा के जाना बचा सकते हैं। तो 2-3 जिहड़ा साडे कोल बार बार फीडबैक आ रहा सीगा, कुछ अफवाहां भी फैली हुई सीगी ऑर्गन ट्रेड दी, कुछ होर भी सरकारी मुलाजमान नूं उहदा भी असी वख-वख लैवल ते खंडन कीता है। PGI दे साडे जिहड़े ट्रांसप्लांटेशन दे माहिर ने उहनां ने भी इस गल दा खंडन कीता है। हरेक चीफ मिनिस्टर साहब दे लैवल ते भी इन्हां गल्लां दा खंडन होया है। कई थावां ते इह परचे भी दर्ज कीते गए ने कि जिहड़े अफवाह इस टाइप दी फैला रहे ने, तो कुछ जेन्युइन जिहड़ी लोकां वल्लों फीडबैक आया कि जिहड़ी उहनां दी दिक्कतां सी उहनां ते भी कुछ पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट वल्लों किए गए ने, जिहड़ा मैं आप जी नाल दसना चाहुंदा। एक सब तो वड्डी गल जिहड़ा एक फीडबैक आंदा सीगा लोकां नूं, इह डर सीगा वी जेकर असीं पॉजिटिव आ गए ते सानूं किते हैल्थ डिपार्टमेंट दी टीम आ के लै जूगी, किते किस फैसिलिटी दे विच रखूगी, या उहनां दा सीगा वी होम क्वारंटीन होण लई सानूं किसे सरकारी दफ्तरां दे चक्कर कटने पैणगे। तो उहदे लई ही बड़ी रीसेंटली एक पॉलिसी चेंज आई है जिस दे विच इह दस्सिया गया है कि जदों तुहाडा टैसट हुंदा है उसे टाइम तुसीं एक डैक्लेरेशन दे दो कि जेकर मैं पॉजिटिव आंदा तां मेरे कोल घर दे विच रहण लई एकांतवास दे विच अड कमरे दी फैसिलिटी हैगी, तो मेरे कोई होर बीमारी नहीं है, शुगर या ब्लड प्रेशर इस टाइप की बीमारी है जिहड़े दे विच कोविड काफ़ी सीरीयस हो जाता है, इस तरीके की मैनू होर कोई बीमारी नहीं है। वो तुसी जदों सैंपल देना है सारे डॉक्टर्स नूं असी हदायत कर दित्ती गई सारी मेडिकल टीमों नूं उस टाइम उस जिहड़ा जिस पेशेंट का तुसी सैंपल ले रहे हो जिस वॉलंटियर का सैंपल ले रहे हो उस टाइम वो ऑप्शन लै लो ताकि जेकर बाद दे विच पॉजिटिव आंदा है तो उन्हों सीधा फोन दे उत्ते दस दो तुसी घर एकांतवास दे विच जा सकते हो, किसी भी डॉक्टर कोल किसी भी होर सरकारी अदारे कोल जाण दी लोड़ नहीं है। जदों सैंपल दोगे उस टाइम तुसी ऑप्शन भर सकते हो जेकर तुहाडे कोल अड कमरा है, तो इस दे नाल काफ़ी सहूलत वध जूगी। दूजा जिहड़ा हैगा पहला जदों घर दे विच एकांतवास सीगे वो टीम आके स्टिकरस लगा जांदे सीगे जिहदे करके लोकां नूं काफ़ी सीगा वी साडे घर दे बाहर स्टिकर लग जांदे है ते लोकी साडू आउटकास्ट समझदे ने, ते इस टाइप दी दिक्कतां सीगा। तां आ होम क्वारंटीन दा कोई भी स्टिकर हुण हैल्थ डिपार्टमेंट किस दे घर भी बाहर नहीं लगाएगा जाएगा, ये भी सारे SMOs नूं सारे डॉक्टर्स नूं हदायतां सारी मेडिकल टीमों नूं हदायत कर दी भी कोई भी एकांतवास दा स्टिकर किसी दे घर दे बाहर नहीं लगाया जाएगा ताकि ये जिहड़ा स्टिगमा की फीलिंग है वह घटाई जा सके। तो तीजी जिहड़ी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी भी लैके डायरेक्टर हैल्थ ने परसों चिट्ठी कढ़ी है भी जदों कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो वो नाम तो और वो होर कंप्लीट डिटेल्स कई बार मीडिया के पब्लिश हो जाती है, वो भी गवर्नमेंट वालों हदायत है कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी पूरा रख्या जाए। जिथे तक कोविड के ओवरऑल केसिस की गल है भी इन्ने सैंपल लिते गए वो मीडिया हाउसेस पब्लिश कर सकते हैं, पर जी एकदम पेशेंट का नाम वो पूरी पता डिटेल देनी वो जड़ा है गवर्नमेंट ने हदायत की है भी वो ना पब्लिश किए जाए क्योंकि वो तो वह एक कोशिश रहनी चाहिए भी पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। असी भी सारे मीडिया हाउसेस नाल तालमेल करके बेनती कर रहे हैं भी वो तो वह असी पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व करिए ताकि लोग बिना हिचक के अगे आन, टाइमली डिटेक्शन ही इसका जड़ा है हल हैगा ताकि क्योंकि तकरीबन मैं देख रहा 90-95% पेशेंट नूं कोई एसिम्टोमैटिक आराम नाल घर ही रिजॉल्व हो जाता है, जिहड़े पेशेंट सीरीयस होंदे ने उही हो रहे ने जिहड़े लेट रिपोर्ट करदे ने। ते अज असी जलंधर शहर दे बड़े ही दो मशहूर डॉक्टर्स है उन्हां नूं आप जी दे नाल रूबरू कर रहे हैं। डॉक्टर विजय महाजन हैगे टैगोर हॉस्पिटल जलंधर दे ते डॉक्टर अभिषेक हैगे एपेक्स हॉस्पिटल दे, ये आप जी दे नाल कुछ सांझा करनगे कि किदां किस किस टाइप के सिम्टम ने की रीज़न ने कि जिहड़े हैगे पेशेंट लेट रिपोर्ट हो रहे हैं या की दिक्कतां आ रही ने उन्हां नूं भी जिस करके डैथ्स हो रही ने, ते किदां आपां
कुछ बेसिक चीज़ां नू फॉलो करके आपां मोर्टैलिटी या मौतां नू होर घटा सकते हैं। तो धन्यवाद जी, मैनू लगता है भी ये सारे आपां इन्हां दे डॉक्टरां वालों मैडिकल एक्सपर्ट्स वालों दसियां गल्लां नू फॉलो करांगे तो आपां होर मोर्टैलिटी नू रिड्यूस करके इहदी जिहड़ी साडी केस फेटलिटी रेट है इहनू होर घटा पावांगे। धन्यवाद जी सारिआं दा बहुत बहुत। असीं सारे जाणदे हां कि करोना दी बीमारी अज तों 6-7 महीने पहलां चीन तों शुरू होई सी। चीन तो शुरू हो के सारी दुनिया च फैल गई, अमरीका वर्गे वड्डे शहरां च, यूरोप के वड्डे शहरां च फैल गई और उस तो बाद इन्हें अपने साडे देश दे विच भी पैर पसारने शुरू कर दिते। शुरू च लॉकडाउन होया, उहदी वजह नाल की होया भई साडे बहुत घट केस आए, पर लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि परमानेंटली नहीं रखी जा सकती क्योंकि लोकां दी खाण पीण दी मजबूरी है, लोकां दी इनकम घट जाती है, इस करके आस्ता आस्ता लॉकडाउन हटाया गया। जिस तरह ही लॉकडाउन घटाते हुए मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई सारे देश के विच, साडे भी पंजाब दे विच पिछले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा केस वधे ने और मौतां भी काफ़ी हो रही ने। ये बड़ा एक चिंता का विषय है, ये बारे सानू ये बड़ा जरूरी है ये जानना भी ये क्यों होया इस तरह, क्योंकि लॉकडाउन होने तो बाद असी ये साढ़े दिमाग च आ गया भी हूँ तो सब ठीक ठाक है, हूँ कुछ नहीं होंगे, कुछ बीमारी का डर भी खत्म हो गया, इस करके असी चीज़ों बड़े हल्के फुलके लैने लैना शुरू कर दिता। तुसी बाजारों जाओ इन्नी भीड़ होंगी है, दुकाना के अंदर इन्नी भीड़ होंगी है, रेस्टोरेंट के बिच पार्टियां कर रहे हो, जिसले चौपाटी के बिच इन्नी भीड़ होंगी है रोज़ शामी, ये सारिया चीज़ा जड़िया ने इन सारिया चीज़ों ने मिलकर इस बीमारी को एक दूसरे के बिच फैलाना शुरू होया। क्योंकि वड्डी गल ये है कि जिसले भी असी खान पीन खाते पीते हैं रेस्टोरेंट के बिच या चौपाटिया के बिच या दफ्तर से कई बार इकट्ठे होकर ग्रुप बना के असी खाते हैं, सानू अपना मास्क खोलना पैंदा। मास्क सब तो वड्डा शेल्टर है, इस करके जिसले असी मास्क खोल दें तो बीमारी दे एक बंदे तो दूजे बंदे ते होने के चांसिस पूरे हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें सिमटम हो, मरीज को उन्हें बिना सिमटम के भी अंदर बीमारी हो सकती है, वो कैरियर स्टेज कहते हैं। इस करके हर मरीज हर बंदे नू जिहड़ा ते तुहाडे सामने बैठा है उन्हू तुसी इक करोना का मरीज समझो और पूरी प्रीकॉशनस लाओ। प्रीकॉशनस असी कई बारी तुहाडे लोकां नू दसिया ने पर इन्हू बारी बारी फिर दोहराना जरूरी है। सब तो ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है जिहड़ी सानू बचाउंदी है वो साडा मूँह दे अगे रख्या मास्क है। मास्क तो असी पा लैंदे हैं पर असी की करदे हैं भई मास्क नू सिर्फ मूँह के अगे रखते हैं, नक नहीं कवर करते। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि ज़्यादा बीमारे से जोड़े कीटाणु ने यह नक के थ्रू ही जाते हैं। सो मास्क का पूरा इस्तेमाल चाहे असी कितने भी है ये करना बड़ा जरूरी है। जे मास्क नहीं पावे तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। कई बार असी मास्क गले च भी लटका के रखते हैं या कई बार असी मास्क की जगह रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। रुमाल सानू पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करता क्योंकि ये साइडा ते थोड़ी छेद रह जाते हैं जिदे नाल हवा अंदर जाती रही है और बीमारी के होंदे चांस होंगे। इस करके सब तो बड़ी चीज़ है कि असी मास्क का प्रयोग जरूर करिए। दूजी चीज़ ये है सोशल डिस्टेंस, इनू असी बिल्कुल घटाता है। हुण असी घर भी बर्थडे पार्टीज करनिया शुरू कर दित्तियां ने, दुकाना के भीड़ रेस्टोरेंट्स के भीड़ सारे कितने इकट्ठे होना शुरू कर दिता है। घट तो घट एक दूजे तो 6 फुट की दूरी जरूर रखो क्योंकि ये कीटाणु 6 फुट तो बाद अटैच नहीं कर सकते, पर असी ये बहुत घट करते हैं। बस स्टैंडा तो देखो, हर जगह देखो, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग असी घटाता है। जिथे भी असी जाइए पूरा ध्यान रखिए कि असी दूसरे बंदे बंदे तो घट 6 फुट दूर रहिए। किसी भी चीज़ को असी टच करते हैं तो सानू हाथ धोना बड़ा जरूरी है सिंपल साबन के नाल। जे तुसी घर दे विच आए या जिथे साबन अवेलेबल है उस नाल अपना हाथ अच्छी तरह साबन नाल धोवो। और नंबर 2, जे तुसी बाहर जाना है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखो। ये सैनिटाइजर है, छोटी बोतल डिस्पोजेबल मिलती ने, ये मैं तुहानू दस रहा। जिथे भी तुसी बाहर जाओ अपनी जेब से जरूर सैनिटाइजर रखो। जरा भी तुहाडा हाथ किसी चीज़ के नाल लगे जिदा हैंडल के नाल, ऑफिस के हैंडल के नाल या कुर्सी के नाल,
या किसी टेबल के नाल, तो उस तो बाद अपने हाथ में जरूर सैनिटाइज करो, नाल दे नाल करते रहो, क्योंकि हाथ जड़ा है बारी बारी मुँह नूं लगता है, हाथों नूं लगता है, तो वह बड़ा खराब करता है। तीजी चीज़ फेस शील्ड का प्रयोग, ये बड़ा जरूरी है। फेस शील्ड जी है ये मैं तुम्हें दसा भी ये जिसे भी दफ्तर च बैठते हो कितने या तुम कि भीड़ भड़ाके इलाके चो तो यदा इस्तेमाल सिर के बीच जरूर करो, ये तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगी। जे फेस शील्ड नहीं लाना लाई तुम तो ऐनक का प्रयोग करो, स्पैशल ऐनक मिलदियां ने बड़िया सस्ती होंगे जिदा मैं पाई हुई है, ये तुहाडे हत्थां दे थ्रू इस वायरस को अंदर नहीं जान दे। तिन्ने चीज़ों का ध्यान बहुत जरूरी है, जे असी ध्यान नहीं करते तो साडा ये बीमारी होर ज़्यादा फैलेगी। और ये बड़ा सिंपल काम है, ये कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर तीन, ये किना बंदे नूं ज़्यादा बीमारी होंदी है, ये बीमारी वो है जिहड़ी कि वृद्ध बंदे दे विच, जिहड़े 60 साल तो उत्ते ने उन्हां दे विच बीमारी ज़्यादा होंदी है। तो खास करके जिन्हां नूं बीमारियां ने, शूगर की बीमारी है, ब्लड प्रैशर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या किसी तरीके का कैंसर का इलाज चल रहा है, इन्हां लोकां नूं इस बीमारी ये बीमारी बड़ी जल्दी जकड़ लैंदी है। और इन्हां नूं इहो जिहे मरीजां नूं, इहो जिहे वृद्ध अवस्था के बंदियां नूं घर के अंदर ही रखो, उन्हां नूं बिल्कुल बाहर ना जान दिओ। और जे वह बाहर जाणगे तो वह फटोफट इनफेक्शन, खास करके शूगर के मरीज जिहड़े ने, इनफेक्शन नूं फैल देंगे और वह इस बीमारी की लपेट च आ जाएंगे। और उन्हां दी डैथ रेट भी जिहड़े अज तक जिन्ने के मरीज की डैथ हुई है वह इस करके हुई है कि उन्होंने कोई होर बीमारियां सी। पर इहदे सिम्पटम जरूर अपने ध्यान च रखो, इहदे की लक्षण ने, लक्षण ये ने भई गले च खारिश हुंदी है, खांसी थोड़ी थोड़ी आनी, सुक्की खांसी आनी शुरू हो जाती है, फिर बुखार हो जाता नाल। टैंपरेचर, टैंपरेचर जिसले हो जाता है तो इस ये तिने चीज़ा जड़ियाँ ने इस बीमारी के लक्षण ने। कई भूख खत्म हो जाती है, कई दस्त लग जाते हैं, शरीर के बीच दर्दा होंगे ने, या किसी वेले टेस्ट खत्म हो जाता, तुहानूं कुछ चीज़ की ना स्मैल आती है ना टेस्ट आता, रोटी खाओ तो उसका पता नहीं लगता कि नमक है कि नहीं, या किसी चीज़ की स्मैल नहीं आती, सेंट की स्मैल नहीं आती, ये सारे लक्षण जड़े ने ये है। जिसले भी ये लक्षण तुहानूं आन उस वेले अपने आप नूं आइसोलेट सैपरेट कर लो, ये बड़ा जरूरी है, ताकि तुहाडे नेड़े तेड़े दे लोकां नूं ते तुहाडे घर दे लोकां नूं खास करके ये बीमारी ना फैल जाए। ये लक्षण जड़े ने, और उस वेले अपना टेस्ट जरूर कराओ। हुण प्रॉब्लम यह आ रही है कि लोग टेस्ट तो बड़े डर रहे हैं, फिर टेस्ट तो पता लग गया साड़ी बीमारी पता लग जाएगी, लोग घर बैठे बैठे ही अंदर अपना इलाज कर रहे हैं। इस करके टेस्ट तो ना घबराओ, टेस्ट करन ते पक्का हो जाएगा भी तुहानूं ये बीमारी तो है कि नहीं, और तुसीं वो प्रिकॉशन लै सको। जे बीमारी थोड़े रूप दे विच है तो तुहानूं गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि तुसीं घर दे विच अपने आप नूं आइसोलेट करो। प्रॉब्लम आइसोलेशन दी ये है कि लोग गवर्नमेंट तो परमिशन लैके आइसोलेट तो कर लेंगे, या सर्टिफिकेट दे के आइसोलेट तो कर लेंगे अपने आप नूं, पर रिश्तेदारां दे विच, घर दे विच अपने बाकियां दे लोकां नूं मिलते रहिंदे आ, गलियां च घूमना शुरू करते हैं। हुण सरकार हर बंदे नूं ते नज़र नहीं रखेगी, इस करके ये तुहाडा अपना डिसिपलिन है कि इस डिसिपलिन नूं जरूर वरतो और अपने आप नूं प्रॉपरली आइसोलेट करो, ताकि तुहाडे अपने नीति जिहड़े ने वो इनफेक्टिड ना हो जाण। इस करके ये चीज़ां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिम्पटम इहदे जिसले वध जांदे ने, कईआं लोकां नूं साह चढ़ना शुरू हो जाता है, कईआं लोकां नूं दस्त बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, उस वेले जरूर हस्पताल जाओ और अपना इलाज शुरू करो। खुराक का अपना पूरा ध्यान रखो, अच्छी खुराक, हरी सब्जियां, फ्रूट, प्रोटीन वाली डाइट जिदा दही पनीर वगैरह ये जरूर लाओ। जो अच्छी खुराक लाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दूजी चीज़ ये है सैर करो, सैर जरूरी नहीं तो तुहानूं बाहर जाना है, अपने घर के कोरीडोर के विच या कितने अद्धा पौना घंटा रोज़ जरूर तुरो, ताकि तुहाडी स्ट्रेंथ वधे। और योगा करन दी कोशिश करो, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजिज करो, जिहदे नाल कि तुहाडी फेफड़े की कपैसिटी भी वधे। इस करके इस बीमारी नूं जिहड़ी कि ये हुण बहुत खतरनाक सिद्ध हो रही है, जे असीं रोकना चाहते हैं तो लास्ट वार्निंग है, अगला डेढ़ महीना साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक पीरियड है,
जे असी डेढ़ महीने अपने आप नूं संभाल लवांगे ये डेढ़ दो महीने तो ये बीमारी फैलन तो बचेगी और बड़ी जाना बचांगियां। इस तरह से मैं सब नूं बेनती करदा कि जिन्नियां प्रीकॉशनस मैं समझाइयां ने और इन्हां नूं सीरीयसली लै के तो इन्हें ते अमल करो ताकि बीमारी होर ज़्यादा ना फैले और ते होर ज़्यादा जाना ना जाए। धन्यवाद। आज इस कोविड के टाइम में एक बहुत अहम डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। पंजाब में और पर्टिकुलरली जलंधर में नंबर ऑफ़ केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले दो तीन हफ्ते से हमारे यहाँ पर डे फ्रेश केसेस का नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ये आप सभी न्यूज़ पोर्टल्स, फेसबुक, डिजिटल मीडिया सब जगह देख रहे होंगे। और उसके साथ जो दो बड़ी चीज़ें और हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड भी कोरोना पेशेंट से ऑक्यूपाई हो रहे हैं और उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जब डिज़ीज़ बढ़ती है तो डेथ रेट भी बढ़ती है और कोरोना रिलेटेड डेथ्स भी हमारे जलंधर और पंजाब में बढ़ रहे हैं, जो कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कंसर्न और सीरियस बात है। इसमें हमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीएम पंजाब और जलंधर का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डीसी साहब सभी ने बड़ी कोशिश करी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया जाए और इसके बचाव और जल्दी इलाज के तरीकों पर डिस्कशन किया जाए। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें आपको हिदायत के तौर पर बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कब किस कंडीशन में आपको अस्पताल जाना चाहिए, कब किस कंडीशन में घर पे रहना चाहिए और किस चीज़ की वजह से हमारी जान को खतरा है इस बीमारी से, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेडिकल फील्ड से, मेडिकल के स्पेशलिस्ट से, हेल्थ केयर वर्कर से और डॉक्टर से डरे नहीं। ये आपकी और आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्प के लिए है। आप अपना ख्याल रखिए और अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बीमारी में जो है वो ये है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम इस बीमारी को रोकें। पूरी दुनिया में किसी के पास ये तरीका नहीं है इस बीमारी को रोक सके। तरीका ये है कि हम इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह, एक मरीज से दूसरे मरीज, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने से रोक सकते हैं। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और इंडिया की सारी एजेंसीज ने स्ट्रेट अवे क्लियर मैसेज दिया है। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, फेस मास्क, कवर योर फेस। तीसरा, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, अपने हाथों को साफ करना। और इन सब के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस के साथ इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इस बीमारी का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह रुक सकता है। ये वायरस जिंदा लोगों में ही हो सकता है और वो भी इंसान में, बाहर इसकी लाइफ बहुत कम है। सो हमको कोशिश ये करनी है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र कम हो। उसके लिए इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दिन में हम शायद धीरे धीरे भूल गए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। नॉर्मल आप अपने काम के लिए हो सकते हैं पर इस बीमारी के लिए नहीं। ये अभी भी उतनी ही भयानक है और उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जितनी ये पहले कर रही थी। कुछ लोग जिनमें इस बीमारी का रिस्क सबसे ज़्यादा है वो हैं वो मरीज जिनको पहले से डायबिटीज़ है, ट्रीटमेंट पे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ट्रीटमेंट पे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट पे हैं। इसके अलावा अगर किसी को सांस की, दमे की पहले से प्रॉब्लम है और वो पंप वगैरह लेता है तो उनको भी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी उनमें बहुत ख़तरनाक तरीके से होती है। इसके अलावा जो लोग डायलिसिस का रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं अपनी किडनी की बीमारी के लिए, उसके साथ साथ में कैंसर पेशेंट और जिनको लकवे की शिकायत है और उसका इलाज करा रहे हैं,
उनको भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनमें ये बीमारी बहुत सीरियस फॉर्म में आती है। इस बीमारी के मेन लक्षण आपको पूरी तरह पता है, पूरे सोशल मीडिया सब जगहों पर आपको इस चीज़ की जानकारी अवेलेबल है, पर फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, घर में किसी को फीवर हो, सूखी खांसी हो या शरीर में कमज़ोरी लगे, थकान महसूस हो, तो ये लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। इन तीनों के लक्षणों के होने में से या किसी एक लक्षण के होने पे डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, अपने आप अपना इलाज मत करें। इसके अलावा कुछ एक माइनर सिम्टम्स होते हैं जो कि हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट और स्मेल का जाना, हेडेक होना, आँखों से पानी आना, कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, पेट की बीमारियाँ भी होती हैं, उल्टी भी आती है, साथ में फीवर होता है, ये भी जो है वो लक्षण हो सकते हैं कोरोना के। इस कंडीशन में आपको टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाना है, डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। इसके अलावा कुछ एक जो बहुत सीरियस सिम्टम हैं जो कि मरीज की जान भी ले सकते हैं और ICU एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, वो हैं सांस लेने में दिक्कत आना, छाती में दर्द होना या फिर बोलते हुए सांस का रुकना। ये तीनों चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर किसी को भी दो कदम चलने में भी सांस फूलने लग रही है और साथ में फीवर है, तो आप ये मान के चलिए कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन है और इसको तुरंत ICU केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, वो कहते हैं हम हैप्पी हाइपोक्सिया, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। है क्या ये कि मरीज बिल्कुल ठीक होता है, बात ठीक करता है, बिस्तर पे ठीक रहता है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है और वो जरा सी चलेगा या जरा भी कोई काम करेगा तो उसे ब्रेथलेसनेस, सांस की दिक्कत होने लगेगी। ये सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है कोरोना मरीज के अंदर, और इसको बचाने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह, हॉस्पिटलाइजेशन और ICU केयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक तरीके से हम इसे साइलेंट किलर इन कोविड मानते हैं। हमें ये लगता है कि अगर जिस किसी को हैप्पी हाइपोक्सिया होगा उसके चांसेस हैं कि वो जल्दी बीमार पड़ के डेथ की तरफ बढ़ सकता है। सो हमें हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबके दिमाग में मिथ आ गया है आज के डेट में सोशल मीडिया की वजह से, कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा इलाज नहीं कुछ और हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत है और डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशंस इस चीज़ को प्रॉपरली देख रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि सब किसी मरीज जो भी पेमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, पर इलाज सबको मिले, इसके लिए सिविल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सेवा में हैं। आपको अगर कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताए अगर होते हैं तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, वो कहते हैं तो आपने अपने टेस्ट कराने हैं। अगर क्या कहते हैं टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो उसके बाद अगर डॉक्टर कहता है कि आप घर पे रह सकते हैं तो होम क्वारंटाइन के ऑर्डर्स फॉलो करके आप घर पे भी रह सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो ज़रूर होइए, डरिए मत, किसी तरह का दिमाग में भ्रम मत रखिए। बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की और अपने चाहने वालों की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके से बचा सकते हैं। एक तो अर्ली प्रिवेंशन, जिसमें कि हमको प्रोटेक्ट करना है एक दूसरे के बीच में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने से, जिसमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हैंड वॉश करनी, और बीमारी के कोई भी लक्षण दिखें तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाने में डरिए मत, जाइए और वो आपकी हेल्प के लिए हैं। नमस्कार, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिजनों का पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू।